गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनी। कैसे हैं आप लोग? सो ये हाउस माय ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, और आज मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट सा व्लॉग करते हैं ना। आज इज सैटरडे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज कुछ अलग दिखाया जाए। तो जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपना ये वार्डरोब ठीक कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपना आप लोगों के साथ अपना वार्डरोब शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या रखती हूँ और कैसे ठीक करती हूँ। और ये मेरा गिटार है, जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी बार देख लिया है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे 2019 वाले बर्थडे में गिफ्ट किया था। 20 वाले में तो ड्रेसेस की थी, हाँ ये 20 वाले की ही ड्रेस है, देखिए मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी और एग्जैक्ट डेट में मुझे पहुँची थी हल्द्वानी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, बट थोड़ा सा टाइट होने की वजह से मैंने पहन नहीं पाई थी। तो सोचा चलिए आज वीडियो पहन लेते हैं, और एक दिन पहले भी मैं पहन चुकी हूँ इस ड्रेस को। चलिए मैं दिखाऊँ कि अपना वार्डरोब। ये है मेरा वार्डरोब कमाड़ी सा, मोस्टली ये हमेशा तितर बितर ही रहता है, तितर बितर ही रहता है। अभी हमारा घर तो नहीं है ना कि हम लोग को यहाँ पे हर चीज एडजस्ट करनी पड़ती है। इसमें है कुछ मेरे और मेरे बेबी के कपड़े। चलिए शुरू करो। सो गाइज, आज मैं आपके लिए साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी इस कबाड़ी सी अलमारी में क्या क्या है। वैसे मुझे ढंग से कुछ रखना नहीं आता है, बट एक दिन रखती हूँ एंड 10 दिन पूरा फैलाती हूँ। चलिए आ जाओ। टेंटने, सबसे पहले आपको एक बोरा दिखेगा। बोरा इट मीन्स ये मेरे पति की टोपी है। क्या तो यहाँ पे ये देखिए वेदिक्स, मैं अभी करती हूँ हेयर के केयर के लिए वेदिक्स यूज़ करती हूँ। जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसमें कैसा है इसका रिव्यू। दूसरा आई डोंट नो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें होंगी। ये मेरा दुपट्टा है, इससे मैं पूजा करते टाइम जब मैं पूजा करती हूँ तब पहनती हूँ। चलिए फाइनल इसको यहाँ पर टांग देते हैं। आते हैं अब दूसरी वाली डोर की साइड। ये मेरी बेबी की हेयर बैंड, और ये मेरे हेयर एसेसरीज जूड़ा बनाने के लिए सारे, और ये हैं मेरी बेबी के हेयर बैंड और मेरे भी हैं दोनों के, माँ बेटी के, क्योंकि बेटी के सर पे तो बाल है नहीं तो इसलिए मम्मी लगा लेती है। जैसे कि ये वाला हेयर बैंड, ये मेरा है, कैसा लग रहा है पता है? पूरे 70 रुपीज़ का है, 75 का। आते हैं आगे की तरफ। ये है मेरे कुछ ड्रेसेस और साड़ी, मैं सारी सूटकेस में रखती हूँ। जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ साड़ी कलेक्शन भी शेयर करूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं, और ये है मेरी बेटी की। चलिए मैं आप लोगों को इसमें से कुछ दिखा देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने बोला था मुझे ये वाली जो कुर्ती है ये बहुत ही अच्छी लग रही है, तो मैंने अभी जब जो मैंने आज डांस वाला वीडियो डाला था, आपने उसमें से बोला था कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये वाली कुर्ती कुछ इस तरीके की है। इसके स्लीव्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं, ये मैंने ली थी हल्द्वानी से। थोड़ी एक्चुअली मैं है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहनती, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 1800 का है। तो ये मेरे हस्बैंड ने ही लिया था मेरे लिए, ये 2018 में लिया था मैंने, तब से ऐसे ही था। अब मैं जाके इसको पहन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कुर्ती और साड़ियाँ बहुत ही रेयर केसेस में पहनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए मैं साथ ही साथ ना इनको रख भी देती हूँ, फिर मेरे फैल जाएंगे और फिर ये चिड़ू पति जो है ना मेरा फिर मुझे बोलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और। ये है मेरा स्कर्ट, जो कि आप लोग डांस में देखते होंगे कि मैं, ये ब्लाउज़ है, इसको साइड में रखते हैं। तो ये है स्कर्ट, ये मैंने लिया था इधर ही डी मार्ट से, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें ठीक ठाक वाले घेर हैं और ये डांस के लिए मुझे बहुत बेटर लगता है। वैसे डेली यूज़ में भी पहन सकते हैं, बट मुझे स्कर्ट पहनना उतना कम्फर्टेबल नहीं लगता है, और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेबी के साथ बड़ा ही मुश्किल होता है। देन उसके बाद मेरे पास है ये, इसको गाउन कह सकते हैं और वन पीस भी कह सकते हैं और कुर्ती भी कह सकते हैं। और ये मैंने लिया था 350 का क्लब फैक्ट्री से, बट ये बहुत ही सुंदर है और पहन के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ये थोड़ा सा मैंने फ़िटिंग कराया था, अब मैंने ढीला कराया था क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मोटू हो गई हूँ, बट बहुत सुंदर है। और इससे मैंने 2019 में एक मेकअप लुक किया था, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं वो वाला वीडियो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं फिर से एक बार इससे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए मैं सारे फिर से रखूँगी। और
ये वाली जो ड्रेस है इससे तो बहुत, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है क्योंकि मेरे भाई ने दी थी। एक्चुअली मेरा भाई इस दुनिया में तो नहीं है, बट मैं इसको हमेशा संभाल के रखूँगी अपने पास। और ये ड्रेस उसने, मैंने उसको एक बार कहा था बहुत अच्छी लग रही है, उसने ढूंढ ढाट के ड्रेस मेरे लिए मंगा दी थी। और ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है। ये है कुछ इस तरीके की मैक्सी ड्रेस और ये है स्ट्रिप इसके, और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और ये ना थोड़ी सी साइड से है ना, थोड़ी सी लॉन्ग लॉन्ग इस टाइप फिश टाइप के बनी हुई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। जल्दी ही मैं ना इस ड्रेस को पहन के आप लोग एक लुक दिखाने वाली हूँ। चलिए इसको रख देती हूँ। छोड़ा है मेरा प्लाजो, एक आठ टॉप होंगे और मेरा एक सूट है, एक दो कुर्ती। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं रखती हूँ क्योंकि जगह नहीं हो पाती है, जगह की बड़ी प्रॉब्लम है। और डेली हम लोग साड़ी सूट नहीं पहनते तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने सारे इसी में लटका रखे थे, अब मैंने सारी साड़ियाँ सूटकेस में डाल दी हैं। ये है मेरी अजी के, इस तरफ है मेरी बेबी के कपड़े, उसके भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसके लिए हमने कुछ छोटे छोटे से हैंगर्स लिए हैं जो कि अभी उसके लिए भी कम हो चुकी हैं। ये मैंने उसका अभी 9th मंथ कम्प्लीट में लिया था, उसके लिए फ्रॉक, डेनिम की बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक है और एक दिन मैंने उसको पहना भी दी है। और ये है हमारी फर्स्ट क्राई की, और ये मेरी बेबी को नामकरण में मिले हुए थे, और ये भी फर्स्ट क्राई की है। जंप सूट है, ये मेरी मासी लेके आई थी, अभी तक तो डी ने पहनी नहीं है क्योंकि उसके लिए बड़ी है। और ये भी फर्स्ट क्राई की ड्रेस है, ये भी उसके लिए काफ़ी बड़ी है। और ये हमने लिया था बिग बाज़ार से, अगेन फर्स्ट क्राई की ड्रेस, फर्स्ट क्राई की, अगेन फर्स्ट क्राई। और ये है हमारी डी की अन्नप्राशन के ड्रेस। कुछ ड्रेसेस, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ अरेंज कर रखी है। ये एक एक्चुअली एक शू रैक था जो कि हमने लिया था CMR से, इसका बाहर का कवर फट गया था तो हमने इसको अभी बना दिया है रैक वाला क्योंकि इसमें काफ़ी जगह बच जाती है। तो यहाँ कुछ दुपट्टे हैं, कुछ डी के ऐसे कपड़े जो हम बहुत कम पहनाते हैं। और इस वाले सेक्शन में आते हैं, इसमें मेरे कुछ टी शर्ट्स और टॉप हैं, और इसमें मैं रखती हूँ अपने अंडरगारमेंट्स, मैं हमेशा बॉक्स में ही रखती हूँ। देन ये दो सेक्शन है, इसमें रहते हैं मेरे जीन्स और ये वाली, और बहुत सारी जीन्स है मेरे पास जो कि अभी मुझे कुछ फिटिंग आती है, कुछ नहीं आती है, बाहर जाना नहीं होता तो मैं पहनती नहीं हूँ। और ये जो हैं, ये वाली, ये मैं मेरे डेली यूज़ में है ताकि मैं इजीली निकाल लूँ। तो नीचे की साइड बने तो नीचे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मैं फिर भी दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स है, ये डी के अन्नप्राशन के बर्तन का बॉक्स है। और ये वाला जो बॉक्स है, इसमें मेरे बैंगल्स हैं। इस बार मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंगल्स नहीं है, थोड़े से हैं क्योंकि मैं सारे घर रख के आ गई हूँ। ये वाली जो बैंगल्स है मैंने मीशो से ली थी, ये मैंने नॉर्मली इधर ही से लिए है लोकल मार्केट से। और ये मेरा जो चूड़ा है मैंने हल्द्वानी से लिया है, इसके कड़े मैंने इधर उधर शिफ्ट कर रखे। ये तो बहुत पुराना है, आई थिंक 2015-16 का चूड़ी है मेरा ये वाला। इसकी फ़ोटो लेना। और बस यही है। और जो हल्द्वानी में मैंने बैंगल अपना कलेक्शन शेयर किया था वो सारे मैं यहीं से लेके गई थी। और ये जो बॉक्स है ये मैंने लिए थे फ्लिपकार्ट से, दो, एक हल्द्वानी छोड़ के आ गई हूँ मैं, एक यहाँ रख दिया है। और इसमें बात करें तो इसमें हम रखते हैं पार्टी के लिए बलून्स और पिचकारी जो उसकी होती है फुलाने वाली। और बस ये थोड़ा सा कबाड़ है, बस यही रखती हूँ मैं अपने कवर्ड में। और बाबू की कवर्ड, अभी पहले ये वाली कवर्ड बाबू की और डी की होती थी और मेरी बेडरूम वाली, बट मैंने अभी शिफ्ट कर दिया है, ये वाला मेरा और डी का। और डी के बस जो न्यू ड्रेसेस है वो इसमें रहेंगी, और जो डी की पुरानी डेली यूज़ में वो बाबू के साथ शिफ्ट कर रखी है मैंने। कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये मेरी एक साड़ी है, उसके लिए मैंने अपनी दी की शादी, मैंने सोचा था अपनी दीदी के रिसेप्शन में पहनूंगी जो कि मैं पहन नहीं पाई। बस ऐसी है, ये मैंने रेडीमेड लिया था 300 समथिंग का देहरादून से, और अभी मुझे थोड़ा आता नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। मैंने नहीं पहना, बट ये बहुत लोगों ने पहन लिया है, मेरी सिस्टर ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, काफ़ी लोगों ने पहन लिया है। तो बट है ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा क्योंकि मल्टी कलर का है, किसी भी साड़ी में मैच कर जाता है। इसी तरीके का था मेरा वार्डरोब, कैसा लगा बताना कमेंट करके। और बहुत अच्छी शेयरिंग किया मैंने आप लोगों के साथ। मेरा गिटार बज जाता है तब भी मैं अलग डोर खोलती हूँ तो, बट लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपने कपड़ों को अच्छे से रखूँ, बिकॉज ऑफ मेरे ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं। अभी हम लोग तब से आए हैं, बाहर जाने लायक कुछ हो नहीं रहा है तो ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड होता है। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऊपर इतने सूटकेस वगैरह हैं, इनमें भी सारे कपड़े ही हैं। साड़ी वगैरह का मैंने अलग से एक सूटकेस बनाया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा, मैं साड़ी कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा साड़ियाँ तो नहीं हैं। सो चलिए अब मैं जा रही हूँ मैगी बनाने। हाँ मैं आपको बताना मैगी
आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैं मैगी टेस्टी बनाती हूँ। आज ये आप लोग भी खाएंगे। और सीरियसली मैं मैगी बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मैगी एंड पुलाव मेरे हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड नहीं मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड एंड मेरे कॉलेज फ्रेंड की मैं मैगी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। सो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैगी बनाने चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने दो पैकेट मैगी ले लिया है, टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट लिया और दो तीन हरी मिर्च काट ली है पतले पतले सी, और दो रखी है यहाँ पे मैंने इनको बोलते हैं मैगी मसाला। मेरी बेटी इतना हल्ला करती है ना तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ पे ले ली है मैंने ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इनको जो मैगी होती है आप चाहो तो अच्छे से तोड़ो या फिर आप चाहो तो लंबे लंबे बिल्कुल एकदम कीड़े जैसे खाओ। ऊपर से मैंने ले लिया है एक एक्स्ट्रा मैगी का पैकेट, एक्स्ट्रा मैगी का ये मैगी मसाला डालने से ना और मैगी मसाले का पैकेट इतना टेस्टी होता है गाइस रियली। बट इसको एक साथ नहीं डालना है, यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल, ये बूंद बूंद करके इसमें आ रहा है, मैंने इसको चम्मच से डाल रखा है, थोड़ा सा डालना है तेल क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। तो मैगी वगैरह मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से अपने तेल को फैला रही हूँ और मैंने वीडियो को बिल्कुल भी आज फास्ट मोड में नहीं रख रखा है, तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ एंजॉय किया जाए। और गाइस प्लीज़ यार बहुत सारे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, बड़ी फैमिली बनेगी ना तभी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए अब डाल देना है कढ़ाई में प्याज, और तेल हो गया है तो प्याज को यहाँ पे हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि सब्जी नहीं भैया मैगी बना रही हूँ मैं, ठीक है। और हाँ आप लोगों को मेरी आवाज़ में बहुत मज़ा आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रही है, ये वाली आवाज़ अच्छी लग रही है जो मेरी नॉर्मल सी आवाज़ वो वाली अच्छी लग रही है, ठीक है। चलिए अब इसमें डाल दिए मैंने हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने डाल रखी है तीन, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। आज मेरी मैं अपनी बेटी को मैगी नहीं खिलाती ना इसीलिए हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, अदरवाइज हम लोग जो सब्जी वगैरह होती है हम बिल्कुल मिर्ची नहीं डालते। चलिए उसके बाद डाल दिया है एक बड़ा सा प्याज काट रखा, टमाटर काट रखा था वो भी डाल दिया है, इसको भी हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा एकदम गला नहीं देना है नहीं अदरवाइज फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ी देर चलाते रहना है, गैस को थोड़ा सा कम कर लीजिए तो ज़्यादा से अदरवाइज जल जाता है, जल नहीं जल जाता है। बस यहाँ पे हो गया है प्याज टमाटर, उसके बाद यहाँ पे मैगी डाल दी है मैंने, दो पैकेट पूरी मैगी डाल रखी है। आज मेरे हस्बैंड का दिन में मन था मैगी खाने का, कुछ खाना है तो कुछ में होता है कि मैगी खानी है, तो इसमें ना मैगी को अच्छे से मतलब इसमें चलाना है इसको ऐसे ताकि मैगी का जो टेस्ट है इसको कह सकते हैं फ्राई करना बोल सकते हैं आप लोग, तो फ्राई करना है ऐसे बनाने से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो अच्छे से चला लेना है इसको, 5 मिनट चलाना है इससे ज़्यादा नहीं, बस इस तरीके से चलाते रहिए। 5 मिनट इसको चलाने के बाद इस पर डाल दीजिए मसाले, मसाले डाल दिए, पानी नहीं डालने हैं अभी बिल्कुल भी, आप ये मसाज के पानी डालना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग पानी में उबाल के बना लेते हैं, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, बट एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास मटर है तो आप मटर डालिए, बिकॉज अब मैं अदर टाइम हमेशा मटर डालती हूँ बट आज मैंने मटर नहीं डाला, मेरे पास थे। और इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, जो मसाले हैं ना वो भी थोड़े से भुन जाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा कढ़ाई में भी लग गया है ना, इसी तरीके से बनाएंगे, और मैगी में भी कुछ कुछ मसाले कोट हो चुके हैं, और अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो चलिए इसमें डाल देते हैं पानी, मैं पानी डाल रही हूँ यहाँ पे एक बड़ा मग, क्योंकि पूरा नहीं डाल रहा, थोड़ा सा बचा दिया है, बहुत ज़्यादा एकदम रबड़ी टाइप नहीं बनानी मैगी, अच्छी नहीं लगती ऐसी एकदम रबड़ी टाइप, तो बस इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से पकने दीजिए 5 से 10 मिनट, उसके बाद इसको ढक के रख दीजिए। चलिए साथ ही साथ मैं आपको चाय बनाना भी सिखा देती हूँ, किसी किसी को चाय बनानी नहीं आती ना मुझसे सीख लो भैया, मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप पानी, और ये है मसाला, इसमें है लौंग, इलायची, काली मिर्च, ढेर सारे ये मैंने घर पर पीस रखे हैं, साबुत ले के आई फिर मिक्सी में धड़ाधड़ पीस दिए मैंने। और ये देखो मैगी महाराज जी पक रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बन रही मेरी मैगी। अच्छा इस मैगी में ना एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने, एक्स्ट्रा मसाले डालने से ना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि इसमें नमक थोड़ा सा कम होता है इन मसालों में। और ये देखिए यहाँ पे पक रही है और थोड़ी सी और पकानी है, और ये मैंने गैस बंद कर दी हूँ क्योंकि मेरी मैगी बन चुकी है, नहीं तो चिपक जाएगी ये, तो बस मैगी है रेडी। और चाय में मैंने क्या किया है अभी सिर्फ मसाले डाल रखे हैं क्योंकि उनको खूब उबाल लो ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और आजकल ना ऐसी चाय पीनी चाहिए क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड टाइम है, अपने आप को स्वस्थ रखो। ये उबल गए हैं मेरे जो मसाले थे उबल रहे हैं, अच्छा हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती, और चाय पत्ती डाली है मैंने ताज, अच्छा हुआ ताजमहल की, और ये अच्छा मैं बेटे को बोल रही थी कि वो गिर गई, वो बहुत शैतानी कर रही इसलिए।
बस यहाँ पे डाल देंगे हम, जितना ही मैंने पानी डाला था उतना ही मैं दूध भी डालूंगी। देखिए मैंने सेम मात्रा में दूध भी लिया है तभी ज़्यादा अच्छी चाय बनती है, अदरवाइज कभी कभी तो मेरी चाय इतनी बकवास बनती है ना कि अगला इंसान मजबूर हो जाता है बोलने के लिए। और ये है मेरी मैगी तैयार, आ जाइए मैगी खा लीजिए। और बस अब हम खाते हैं मैगी, और यहाँ पे भी धड़ाधड़ सी मेरी मस्त वाली चाय उबल रही है। सो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग, सैटरडे ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा कवर्ड कैसा लगा मैनेज हाउ तो दिए बना रहा हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मीन संडे ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कुमाऊनी सोनी कॉर्नर। मेरा फेसबुक पेज है कुमाऊनी सोनी कॉर्नर। आप लोगों को कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सब जगह सेम नाम रखा हुआ है। जाके मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए और मेरी फ़ोटोज़ देखिए, वीडियोज़ देखिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।